दोस्तों वीडियो की थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम हमारे मून को एक्सप्लोर करने वाले हैं। कुछ बातें हम ऑलरेडी मून के बारे में जानते हैं, पर इस वीडियो में हम उससे आगे की बात को जानेंगे, मून के ऊपर डीपली रिसर्च करेंगे और जानेंगे कुछ अननोन फैक्ट्स को जो कि बहुत कम लोगों को पता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज, स्वागत करता हूँ आप सबको कॉस्मिक वर्ल्ड के चैनल पे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं रिसर्च मून के ऊपर। मून धरती का एक लौता उपग्रह है जो कि अर्थ से एवरेज 384,400 किलोमीटर की दूरी पर है। आकार में ये धरती का एक चौथाई भाग है। गैनीमेड, टाइटन, कैलिस्टो और आईओ के बाद मून हमारा सोलर सिस्टम का पांचवा बड़ा उपग्रह है। 4.5 बिलियन साल पहले जब थिया नामक प्लैनेट धरती से टकराया था, तब उस टकराव से जन्मा धूल और डेब्रिस से मून का उत्पत्ति हुआ था। माना जाता है थिया का साइज मंगल ग्रह की साइज जितना था। मून धरती की चारों ओर सिंक्रोनस रोटेशन करता है, मतलब मून धरती से टाइडली लॉक्ड है। इसका एक साइड हमेशा अर्थ की तरफ रहता है, जिसे हम नियर साइड कहते हैं, और दूसरा साइड को फार साइड कहा जाता है। इसलिए हम हमेशा से मून का बस एक ही साइड को देखते आए हैं। मून का दूसरा साइड कभी भी अर्थ के तरफ नहीं घूम पाता, इसलिए उस साइड को डार्क साइड ऑफ मून भी कहा जाता है। डार्क साइड का मतलब ये नहीं कि वहाँ हमेशा अंधेरा है, जी नहीं, वहाँ पे लाइट भी आता है, बस उस साइड को हम देख नहीं पाते, इसीलिए उसे डार्क साइड कहा जाता है। मून का सरफेस में हमें क्रैटर्स होल्स दिखाई देता है, ये सब मेटेरॉइड्स की टकराने से बना हुआ है। उन क्रैटर्स में से एक क्रैटर का नाम है टाइको क्रैटर, जो कि साइज में बहुत ही बड़ा है। मून की लाइट एरियाज को हाइलैंड्स कहा जाता है और डार्क क्रैटर एरियाज को मरिया कहा जाता है। दोस्तों मून का एटमॉस्फेयर बहुत ही वीक और पतला है, जिसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है। ये एक्सोस्फीयर सन की हार्मफुल रेडिएशन और मेटेरॉइड्स इंपैक्ट से मून को नहीं बचा पाता। मून का सरफेस टेम्परेचर दिन में 127 डिग्री सेल्सियस होता है और रात को अंधेरे में टेम्परेचर -173 डिग्री तक चला जाता है। यही सब रीजंस के वजह से यहाँ पे इंसानों का रहना और सर्वाइव करना बहुत ही चैलेंजिंग है। मून के सरफेस में पानी होने का खोज पहले इंडिया का सैटेलाइट चंद्रयान-1 ने किया था। ये पानी मून के सरफेस में स्प्रेड करके पोल में कॉन्सेंट्रेट करता है और अभी भी चंद्रयान-3 के द्वारा पानी की खोज का अभियान चालू है। धरती की तरह मून का भी कोर, मेंटल और क्रस्ट प्रेजेंट है और मून का ग्रेविटी धरती की ग्रेविटी का 1/6 हिस्सा है। मून धरती को सेंटर बनाकर उसकी चारों ओर एक एलिप्टिकल पाथ में घूमता है। जब मून धरती के सबसे नजदीक पहुंचता है, उस पॉइंट को पेरिगी कहा जाता है और मून और अर्थ के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस की पॉइंट को एपोगी कहा जाता है। हमारा मून हमसे हर साल 1.5 इंचेस दूर जा रहा है। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर से एक और नया वीडियो के साथ।